स्त्री वशीकरण मंत्र, जी हाँ, 24 घंटे के अंदर अंदर आप अपनी रूठी हुई प्रेमिका को मना सकते हैं, किसी भी स्त्री को अपने वश में कर सकते हैं, चाहे वो स्त्री आपके पड़ोस में रहती हो या फिर दुनिया के किसी भी कोने में रहती हो। भक्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आपको बताने जा रहे हैं लाइव स्त्री वशीकरण मंत्र, जी हाँ, 24 घंटे के अंदर अंदर आप अपनी रूठी हुई प्रेमिका को मना सकते हैं, किसी भी स्त्री को अपने वश में कर सकते हैं, चाहे वो स्त्री आपके पड़ोस में रहती हो या फिर दुनिया के किसी भी कोने में रहती हो, आप उसे अपने वश में कर पाएंगे। जी हाँ, इसकी क्या विधि है, ये पूरी जानकारी, इस क्रिया को कैसे करना है, आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ये जानने के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो है हल्दी की गांठ। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 7 हल्दी की गांठ ली है, और साथ में साथ आपको ये चाहिए होगा ये धागा जो कि हम लोग पूजा में इस्तेमाल करते हैं, ये धागा आपको चाहिए होगा। पहले आपको इन 7 गांठों को, हल्दी को इन गांठों में बांधना है। उसके लिए आपको करना क्या है, ये मंत्र जैसा कि मैंने इस कागज़ पर पहले से लिखे रखा हुआ है, ये वशीकरण मंत्र, इसे आप ध्यान से देखिए और इस मंत्र को आपको अपने सामने रखना है लिखकर एक कागज़ पर। मंत्र है, ओम कामदेवाय विद्महे रति प्रियाय धीमहि तनो अनंग प्रचोदयात। इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है 51 बार, और ये जो हल्दी की गांठ है इस पर आपको फूंकना है। जी हाँ, इसको ऐसे बांध लीजिए हल्दी की गांठ को इस तरह से, इसमें जब धागे में बंधी होगी उसके बाद आपको इसे अपने हाथ में रखना है। इस पूरे को एक साथ उठा लीजिए और अपने सीधे हाथ में रखिए, और एक हाथ में ये कागज़ पकड़कर आप इस मंत्र को पढ़ते जाइए और इस पर फूंक मारते जाइए। तो 51 बार आपको हल्दी की गांठ पर फूंकना है और उसके बाद आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद आपको आपके घर के पास में देखना है कि कोई पीपल का पेड़ अगर हो तो पीपल के पेड़ पर जाकर आपको ये हल्दी की गांठ, इसी तरह ये जो माला हमने बनाई है, इस माला को वहाँ पर ले जाकर बांध देना है। जब आप इसको बांधेंगे तो आपके जीवन की जो भी समस्या है, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है या फिर आप अगर किसी पुरानी प्रेमिका को जो आपसे रूठ गई है अगर उसे मनाना चाहते हैं तो वो भी मान जाएगी, और अगर आप किसी स्त्री को अपने वश में करना चाहते हैं तो वो भी आपके वश में होगी, सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर। बस आपको एक और बात बता देती हूँ जो कि आपको यहाँ पर करनी है, वो ये कि जब आप मंत्र कर रहे होंगे उस समय आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ उस स्त्री का या उस लड़की का नाम होना चाहिए, किसी और के बारे में बिल्कुल ना सोचें। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को कीजिए, लाखों लोगों ने इस उपाय को किया है और उन सबको इसका फ़ायदा हुआ है। बेहद आसान लेकिन शक्तिशाली उपाय मैंने आपको आज बताया। अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी परेशानी हो तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और आपने हमारा ये वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद भक्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले सारे वीडियोस पहुंचेंगे, और आपके जीवन की कोई भी समस्या हो आप उसे मुझसे पूछ सकते हैं।